बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के एक साल बाद पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने हार की समीक्षा की और दावा कर दिया कि अगर कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती तो बीजेपी सत्ता में आ जाती। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने चुनाव प्रचार को प्रभावित किया, इसका पूरा असर चुनावी नतीजों पर पड़ा। बंगाल के लोगों से संपर्क करते हुए नड्डा ने कहा कि बीजेपी बंगाली गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी, इसे नीचा दिखाने की कोशिश करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। इस दौरान जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का बखान किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी के शासन पर सवालिया निशान लगाए। जो स्थिति आज बंगाल की है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इसमें बहुत निराश नहीं होता और मैं बहुत निराशा भी नहीं करता, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तो 2014 से पहले तो यही स्थिति तो देश की भी थी। आज बंगाल की रह गई है, लेकिन देश की स्थिति भी तो ऐसी ही थी। लूट, एम्बेजलमेंट, करप्शन, स्कैम, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, पॉलिसी पैरालिसिस, देश का नाम दुनिया में करप्ट नेशंस में तो अग्रसर होकर के उभरता था। एवरीवेयर देयर वाज स्कैम 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 एंड स्कैम। बट टुडे आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ मोदी रेजिम वी कैन से दैट मोदी है तो मुमकिन है। जब लोग देश मुझसे बोलते हैं कि देश बदल रहा है, तो मैं कह रहा हूं बदल रहा नहीं है, देश बदल गया है। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। देखिए देश में क्या परिवर्तन आया, और मैंने कल भी अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में उसको कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट अ न्यू कल्चर टू द पॉलिटिकल वर्किंग। राजनीति की संस्कृति बदल गई है। दरअसल पिछले साल 2 मई को निकले बंगाल चुनाव के नतीजों में टीएमसी को प्रचंड जीत मिली थी। कुल 294 सीटों में से बीजेपी को जीतोड़ मेहनत के बाद 77 सीटें मिली। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद अर्जुन सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय समेत 5 विधायकों ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का बंगाल दौरा डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।